यहाँ छिटके से हाय फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग? आयु बोलो अच्छा होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी शाम हो चुकी है और हम लोग बैठे हुए हैं। और तो फ्रेंड्स आप सब मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, और जो जो मेरे ब्लॉग पे न्यू है वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भिंडी का बीज है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं भिंडी का बीज है, पैकेट में लाया हुआ है। इसका नाम है अवतार सीडस, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। और तो फ्रेंड्स चलिए आज का ब्लॉग में ऐसे स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे ब्लॉग पे बने रहे। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं घर द्वार में झाड़ू वगैरह लगा चुके हैं। देख सकते हैं हम यहाँ गुहाल में है और बस अभी शाम का टाइम में काम हो चुका है। आप जा रहे हैं हम लोग नदी बर्तन साफ करने के लिए। तो चलिए आप सब मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी जा रहे हैं जस्ट। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम बर्तन लेके नदी जा रहे हैं धोने के लिए। बहुत सारा बर्तन ले लिए हैं और भारी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ना नदी इसलिए। और तो सोचे नदी में धो लेंगे क्योंकि। और तो फ्रेंड्स घर में होता है पानी लाओ तब बर्तन धो। बहुत इधर थोड़ा सा ढाल है, मिट्टी होने में बहुत दिक्कत होता है। तो देख सकते हम यहाँ पे खेत पहुँच चुके हैं। नदी में बहुत ही सुविधा होता है बर्तन सब धोने में, कपड़ा उपड़ा धोने में। इसी कारण से हम लोग नदी चले आते हैं और हम लोग नदी में नहा भी लेते हैं, अच्छा होता है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम नदी आ चुके हैं। देख सकते हैं इधर बर्तन खुलने के लिए दिए हैं। तो आप सबको दिखते होंगे नदी में कितना मस्त पानी है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और हम लोग नहाने के लिए नदी आते हैं क्योंकि बारिश हुआ था, उसी कारण से नदी में बहुत पानी आया हुआ था। आप देख सकते हैं कम हो गया क्योंकि अब बारिश नहीं हो रहे हैं उसी कारण से। और नदी भी सूख रहा है थोड़ा बहुत अभी है। तो देख सकते हैं अभी तो नहीं सूखेगा, और जो थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है तो चल ही रहा है। और
बारिश नहीं होगा तो सूख भी जाएगा, क्योंकि जो सब लोग धान का बीज सब खेत में बोए हैं वो सब जो मर रहा है वो सब नदी से पटवन भी कर रहा है, उसी कारण से नदी भी सूख रहा है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे गांव का नदी कितना मस्त दिख रहा है। देख सकते हैं हम यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, और देखिए वहाँ पे कपड़ा उपड़ा है धोएंगे। और इधर देख सकते हैं कितना हरा भरा दिख रहा है। हम लोग नदी आते हैं ना तो डर भय कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया नदी है। तो देख सकते हैं इधर पहाड़ पत्थर है, गाछ वृक्ष बहुत ज़्यादा है इधर। आप सबको तो 2-3 बार दिखा चुके हैं हमारे नदी कैसा है। देखिए कितना बड़ा पत्थर है, ये पत्थर को हम लोग हाथिया पत्थर बोलते हैं, क्योंकि हाथी जैसा है। तो आप सबको भी दिखते होंगे ये हाथी जैसा है बड़ा वाला। और देख सकते हैं कितना इधर हरा भरा दिख रहा है पेड़ पौधा। और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है बहुत ही ज़्यादा। और देख सकते हैं कितना बेरा ढल चुका है, अब बहुत सारा शाम हो चुका है। और मेरा अभिनंदन भी आया है नहाने के लिए। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मांस क्या है, आप धो रहे हैं। यहाँ छिटके से और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम यहाँ नदी में क्या चीज अलगाए हैं ले जा रहे हैं अभी घर। क्या है आप सबको बताएंगे, आप सब मेरे ब्लॉग पे बने रहे।